थैंक यू सो मच मोदी बने। आईफ्लिक्स भाई एक बात पूछ रही थी, इतनी वॉचिंग आती है मुझे, फिर भी वॉचिंग में पीछे क्यों रह जाता हूँ? ब्रो मेरे को भी आइडिया नहीं है वोटिंग के पीछे। अगर हम मैं खुद जाके क्राफ्टर को भी पूछेगा ना, वो लोग बोलेगा भाई यू नो देर वॉज अ सिस्टम एंड सिस्टम सेट दिस मच नंबर ऑफ वोट्स एंड या सिंस द सिस्टम सेट दिस नंबर ऑफ वोट्स फॉर जूसी इट इट इज डन। इट्स आई मीन टेक्निकली इफ आई इवन इफ आई से टेक्निकली ठीक है, वी हैव द टॉप मोस्ट फैन बेस्ड टीम्स राइट नाउ इन द कंट्री, वन इज सोल एंड वन इज गॉड लाइक। ठीक है, अब मैं ये चीज में झगड़ा करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि भाई सबसे ज्यादा किसका है सोल के है, सबसे ज्यादा किसका है गॉड लाइक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ टॉप मोस्ट जो है वो सोल और गॉड लाइक बैठा हुआ है, और उसके बाद समझो टीम एक्सपार्क बैठा हुआ है समझो। ठीक है, एंड ये तीन टीम का भी ले ले तो भी इसमें से आईक्यू सोल तो था नहीं। ठीक है, अभी आईक्यू सोल है नहीं तो टीम एक्सपार्क और गॉड लाइक बैठा हुआ है। अब अगर किसी प्लेयर को चुनना है तो इट शुड हैव बीन मोस्टली फ्रॉम टीम एक्सपार्क या फिर गॉड लाइक। एंड अगर आईकू सोल को किसी को सपोर्ट करना है तो भी आई एम ऑल्सो अ सोल फैन। अगर सोल नहीं है तो मैं सोल के अंदर किसका टीम चल रहा है वहां पे, एक्सपायर का स्काउट का टीम चल रहा है वहां पे, भाई स्काउट को एक वोट कर लेता। तो उसमें भी अगर देखा जाएगा तो बाई डिफॉल्ट इट शुड हैव बीन इधर इधर पंक या फिर चलो पंक भी हो सकता, पंक या फिर जोनाथन, मोस्टली जोनाथन ही होना था, या फिर टीम एक्सपायर का कोई भी यू नो स्प्रे गोड सारंग, मोस्टली ये दोनों रहता है स्प्रे गोड या सारंग, और सारंग मोस्टली रह जाता है। सारंग काइंड ऑफ अभी के टाइम पे इज द ओनली पर्सन हु हैज बीन इन ऑल द ऑफिशियल्स राइट, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू में सारंग। और अगर अगर सोल को भी वोट करना है किसी को तो जूसी से ज्यादा सारंग को वोट जाता, बट कहीं ना कहीं जूसी को वोट गया हुआ है और वो नंबर दिख गया है। ये बताइए कि 8-bit जूसी कब से फैन फेवरेट हो गया? देखो इसमें दो तरीका है, दो चीज से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चीज को, अभी बाकी इसके अलावा मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं खुद स्टोरी अपलोड किया है, खुद मेरे को जूसी ने खुद मेरे को रिप्लाई भी किया बेचारा कि भाई वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई ऐसा होगा, बट जब जब हो गया था अभी वो भी क्या कर सकता है, उसने थोड़ी कुछ किया होगा यार राइट। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो चुका है, नंबर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है 8-bit जूसी के लिए, तो मैं खुद स्टंट था गाइस 8-bit जूसी के लिए। बट जूसी अपना अच्छा बंदा है, अच्छा लौंडा है, उसने तो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं होगा। बट हाँ दो तरीका है, एक यू नो कोई ना कोई एक या एक पर्टिकुलर टीम या फिर यू नो फैन फेवरेट फॉलोइंग ऑफ सोल तो नहीं बोलने को, आई थिंक उससे ज्यादा आई वुड पुट इट इन सच ए वे दैट कि भाई हेटर्स ऑफ गॉड लाइक ऐसे कुछ बोल सकता हूँ। मे भी उन लोगों ने कुछ मिलकर कुछ कांड किया होगा एंड यू नो बढ़ाया होगा कुछ ऐसा जो, हालांकि आजकल बहुत सारा बॉट एंड ऑल दो सिस्टम चलता है, इधर दैट माइट बी द थिंग। और यस यार सब लोग ने यू नो सोल का फैन बेस उतना कम नहीं है, सो मे भी हो सकता है कि सोल का सारे बंदों ने वो स्टोरी में डाला था तो उस टाइम पे उसका बढ़िया रहेगा। सो या बट एट द सेम टाइम आई कैन सी जोनाथन ने खुद अगर डाला है, और जोनाथन का भी गॉड लाइक ने आई थिंक होना तो नहीं चाहिए, बड़ा इट्स काइंड ऑफ यू नो थिंग, अभी क्या बोलूँ क्या बोलूँ गाइस, एक्सप्लेनेबल थिंग नहीं है इसमें। अब इसकी इंटरनल बात जो है अपने को भी पता नहीं है। ठीक है, ये तो अगर क्राफ्टन को बुला के पूछेगा ना, उन लोगों के पास भी उतना आंसर नहीं होगा, उन लोगों के पास भी क्या क्या रहेगा पता है क्या? दे हैव अ सिस्टम, द सिस्टम शोइंग अ नंबर एंड दैट नंबर इज गोइंग टू जूजी एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन, भले बाहर कुछ भी हो अपना इमोशन क्या कहता है, जोनाथन को मिलना चाहिए था यू नो बिकॉज वो एमवीपी लिस्ट में भी था और अच्छा भी खेल रहा था, और ये सब की वजह से हो सकता है कि अपना ऑफकोर्स इमोशन वाइज इट्स सेइंग दैट कि भाई जोनाथन या फिर टीम एक्सपार्क का कोई भी जीत सकता था, वो भी तो जीत सकता था, बट हाँ जो टीम का थोड़ा चोक हो रहा था 8-bit उनका ही एक मेंबर अगर जीत रहा था थोड़ा सा हाँ है, बिकॉज इन द एंड एंड ऑल्सो वॉट एवर हैज हैपेंड एंड आई थिंक अपने अपने लिए या फिर मेरे लिए और बहुत लोगों के लिए, मेरे को काइंड ऑफ आइडिया था ही, बट बहुत लोगों के लिए एक आंखें खुल गया अबाउट वन पर्सन, वो है टीम एक्सपायर का जोकर। भाई हमेशा वो बंदा फिफ्थ 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 वो 100 में आया था बीएमपीएस में, तभी भी फिफ्थ, लास्ट में फाइनल्स में आके उसको भी फाइनल्स में भी डे वन में भी वो भी फिफ्थ, तो वो एक अच्छी बात था कि भाई उसको मेन रोस्टर में बहुत कम चांसेस मिला, तो वो कम चांसेस की वजह से वो बहुत ज्यादा करके दिखाए भी नहीं पाया, बट देन वो ट्रांसफर हो गया, वो एक टीम एक्सपायर जैसे टीम पे गया और वो मेन रोस्टर में 100% फिक्स हो गया, यू नो प्लेइंग फॉर्म में फिक्स ही हो गया। तो एक बार प्लेइंग फॉर्म में फिक्स हो गया, कंटिन्यूस खेलते गया खेलते गया। आई एम प्रीटी श्योर शुरुआत में टीम एक्सपायर ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, वो आप लोग भी चेक कर सकते हो, उसका ग्राफ चेक कर लेना, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, थोड़ा 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 ऊपर ऊपर करके अच्छा परफॉर्मेंस धीरे धीरे बना के टीम एक्सपायर का जोकर अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दिया है एंड आई जस्ट लव दिस वे ऑफ गेम प्ले एंड भाई बहुत बहुत बढ़िया भाई, मतलब साथ साथ में ओ 180 के लिए बहुत बड़ी धन्यवाद। हैशटैग #1 तो पक्का है TX, आपको सेकंड के लिए करो स्काउट सेट। राज भाई दे कैन बीट द डिफेंडिंग चैंपियंस बट दे कुडंट कीप इट अप, तो कभी ना कभी तो रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। बाकी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, TX इज द बेस्ट लाइनअप इन इंडिया राइट नाउ।